हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज देखते हैं निफ्टी ने कहाँ मोमेंटम किया, बैंक निफ्टी ने कहाँ मोमेंटम किया। तो आते हैं फिर निफ्टी के चार्ट। निफ्टी ने आज फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग दिया और आज के मार्केट को अगर आप गौर से देखें, 1 मिनट, ये 1 डे का चार्ट है, इसे हम चलो 15 मिनट में कर लेते हैं। आज का अगर चार्ट देखें तो आप दिन भर में किसी भी टाइम पे एंट्री ले सकते थे। इवन आप 3:20 पे भी अगर एंट्री लेके अगर इस पोजीशन को होल्ड करते तो कल मार्केट गैप अप खुलने वाला है और हो सकता है ह्यूज गैप अप खुले, 50-60 पॉइंट ऊपर खुले। खुल के मार्केट कल वोलाटाइल जाएगा क्योंकि 2 दिन आप कंटिन्यूअसली देख रहे हो कि 2 दिन मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ रैली कर रहा है। तो कहीं ना कहीं, चाहे वो डाउनवर्ड की रैली हो चाहे अपवर्ड की रैली हो, एक जगह पे आके उसको पाउज करना पड़ता है। तो हो सकता है मार्केट 2 दिन कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ रैली करके, हो सकता है कल या मैक्सिमम परसों तक मार्केट 17,600 से 17,700 के बीच में मार्केट यहीं पे कुछ दिन हॉल्ट करे, 1 से 2 दिन, क्योंकि कल गैप अप श्योर शॉर्ट खुलने वाला है। हम लोग कल ना फ्लैट की बात करेंगे ना गैप डाउन की बात करेंगे। थोड़ा ऊपर जाके हो सकता है मार्केट थोड़ा करेक्शन दिखाए, क्योंकि मार्केट सीधे सीधे, चाहे वो नीचे की तरफ हो चाहे आप ऊपर की तरफ हो, मार्केट एक तरफा मूव करती नहीं है। तो कल हो सकता है कि वोलाटाइल रहे, थोड़ा नीचे भी आ सकती है। बाकी हम जजमेंटल डे होगा अपना एक्सपायरी का, उस दिन देखेंगे मार्केट किस तरफ, क्योंकि मार्केट इस समय आके अपने एक रेसिस्टेंस पे खड़ी है। अब इसी चार्ट को अगर हम लोग 1 आवरली चार्ट में देखें तो मार्केट एक बहुत अच्छे अपने रेसिस्टेंस जोन पे मार्केट आके यहाँ पे आके खड़ी हुई है मार्केट। अब अगर मार्केट इसे 1-2 दिन हॉल्ट करके फिर ऊपर की तरफ निकलती है तो 18,000 नहीं होगा अपना टारगेट, फिर 18,200 तक मार्केट नीचे नहीं आ सकती है। 18,200 के बाद फिर हो सकता है मार्केट मेजर करेक्शन दे 300-400 पॉइंट के, क्योंकि ओमिक्रॉन का वैसे कुछ है नहीं खतरा, कहीं पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि ओमिक्रॉन कम भी हो रहा है, केसेस कम भी हो रहे हैं, लोग रिकवर कर रहे हैं, कहीं पे बढ़ रहे हैं, यूके की हालत ख़राब है। दिन के छुट्टी के बाद मार्केट का ऐसा था कि बेयर्स कहीं नज़र ही नहीं आए, सिर्फ बुल और बुल एनी टाइम। आज दिन भर के कैंडल में आप किसी भी समय पे एंट्री ले सकते थे, बहुत आराम से ट्रेड होता। वैसे हमने आज ट्रेड नहीं किया कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा था कि क्या पता आज ही का मार्केट वोलाटाइल हो, बट आज का मार्केट ट्रेंडिंग रहा। तो कोई नहीं, अपने कैपिटल्स बचे बस, ट्रेड किसी और भी दिन हो जाएगी। हाँ, अगर मार्केट अगर नीचे आना शुरू कर दे तो फिर देखते हैं मार्केट कहाँ तक आ सकती है। एक रेसिस्टेंस ये है, सॉरी, एक सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये रहा, तीसरा सपोर्ट ये है, चौथा सपोर्ट ये है। अगर गिरी मार्केट तो मार्केट 16,750 को भी टच कर सकती है, और इसके बाद जो फिर बुल रन होगा वो परफेक्ट होगा। वो लॉन्ग टाइम बुलिश ये तो मार्केट इतना दिन गिरा है तो मार्केट कुछ दिन ऊपर की तरफ जाएगा ही, लेकिन यहाँ से थोड़ा नीचे रिट्रेसमेंट, अगर इस सपोर्ट को मार्केट तोड़ के थोड़ा नीचे आता है, इसके बाद का जो बुल रन होगा वो सबसे परफेक्ट होगा। उसमें आप एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियोज बना सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाने वाले अभी रुक जाएं क्योंकि मार्केट नीचे से काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ रिट्रेस हो चुका है, तो इसे एक बार और नीचे की तरफ डिप आने दें, जहाँ तक भी आई है डिप। उसके बाद अगर फिर कोई बुलनेस का साइन बनता है तो आप अपने लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, अपने पोर्टफोलियोज में, आप अपने स्टॉक्स में आप किसी भी तरह का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट अगर नीचे आना शुरू कर दे तो फिर देखते हैं मार्केट कहाँ तक आ सकती है। एक रेसिस्टेंस ये है, सॉरी, एक सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट ये रहा, तीसरा सपोर्ट ये है, चौथा सपोर्ट ये है। अगर गिरी मार्केट तो मार्केट 16,750 को भी टच कर सकती है, और इसके बाद जो फिर बुल रन होगा वो परफेक्ट होगा। वो लॉन्ग टाइम बुलिश ये तो मार्केट इतना दिन गिरा है तो मार्केट कुछ दिन ऊपर की तरफ जाएगा ही, लेकिन यहाँ से थोड़ा नीचे रिट्रेसमेंट, अगर इस
सपोर्ट को मार्केट तोड़ के थोड़ा नीचे आता है, इसके बाद का जो बुल रन होगा वो सबसे परफेक्ट होगा। उसमें आप एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियोज बना सकते हैं। पोर्टफोलियो बनाने वाले अभी रुक जाएं, क्योंकि मार्केट नीचे से काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ रिट्रेस हो चुका है, तो इसे एक बार और नीचे की तरफ डिप आने दें, जहाँ तक भी आई है डिप। उसके बाद अगर फिर कोई बुलनेस का साइन बनता है तो आप अपने लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम अपने पोर्टफोलियोज में, आप अपने स्टॉक्स में आप किसी भी तरह का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और अब देखते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी का भी आज कुछ वैसा ही था, मार्केट सीधा सीधा आज ऊपर के तरफ ही निकला है, जैसे 15 मिनट के कैंडल में देखें हम, मार्केट सीधा सीधा ऊपर की तरफ निकला है आज। कहीं यहाँ आप इसमें भी यही सीन बन रहा था, किसी भी टाइम पे किसी भी पॉइंट पे आप बाई कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे बाई करके भी इसे आप कल के लिए होल्ड कर सकते थे, क्योंकि आज दिन में अगर आप देखे होंगे, क्योंकि मैंने देखा था आज दिन में निफ्टी फ्यूचर्स भी काफ़ी स्ट्रांग थे, लगभग 285 प्लस चल रही थी। डो जोन्स नासदाक के फ्यूचर्स भी बहुत अच्छे थे। तो आज यूएस मार्केट भी मोस्ट प्रोबेबली अब तक तो खुल भी गया होगा, तो पॉजिटिव साइड में ही मार्केट ट्रेंडिंग होगा आज डो जोन्स नासदाक का। तो कल के ग्लोबल सिनेरियोज भी पॉजिटिव ही रहेंगे। कल हो सकता है बैंक निफ्टी भी लगभग 400-500-300 पॉइंट तो कम से कम गैप अप अगर खुलती है, गैप डाउन तो खुलेगी नहीं, तो गैप डाउन के बारे में बात करने से, और फ्लैट खुलेगी नहीं तो उसके बारे में बात करने से कोई मतलब है नहीं। कल मार्केट हो सकता है बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट ऊपर खुले, और फिर खुलने के बाद ये भी हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली ये लगभग 3 दिन से अप ट्रेंडिंग की तरफ है, तो एक या तो वॉलेटिलिटी आएगी, एक दिन स्थिरता रहेगी मार्केट में, या फिर ये थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है अपने फाइनल अप मूव के लिए। तो कल जितने लोग बाइंग के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो वो लोग थोड़ा सोच समझ के एंट्री लें, थोड़ा इन द मनी में एंट्री लें, क्योंकि अगर मार्केट वोलाटाइल रहा तो प्रीमियम ईटिंग होगी कायदे से, तो वो सब चीज़ को ध्यान में रख के। और अगर आप सोच रहे हैं कि कोई पोजीशन लेके होल्ड करना ऑप्शंस में, तो वो इस समय बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा, आप खुद ही देखिए मार्केट अच्छा खासा ऊपर साइड की तरफ निकला है, तो थोड़ा हो सकता है नीचे की साइड भी हो, नीचे की साइड भी आ सकता है, लगभग 35,500 को वापस से बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है। लेकिन अब कोई नहीं जानता, क्योंकि कैंडल बनने के बाद हमें पता चलता है अच्छा मार्केट ने आज ऐसा किया, मार्केट का ये सेंटिमेंट था। हमें आगे के बारे में हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में कल ट्रेड ना लें, इन द मनी लें जो भी लें, क्योंकि प्रीमियम मीटिंग होगी कल। अगर वोलाटाइल रहा मार्केट गैप अप खुलने के बाद तो, और अगर कल भी ट्रेंडिंग रहा तो फिर इस बार की एक्सपायरी सबकी ख़राब होगी। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ ट्रेंड करता है, क्या सिनेरियोज बनते हैं। बस कोई पैनिक सिनेरियो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपने गलवान वैली में थोड़ी चाइना के साथ चल रही है दिक्कतें, तो कोई पैनिक न्यूज़ ना आए, नहीं तो ये अप ट्रेंड कुछ डाउन 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी और लगभग 250-300 पॉइंट निफ्टी को ये नीचे की तरफ पुल बैक ला सकता है। वो न्यूज़ थोड़ी सेंसेटिव होती है इस तरह की, इंटरनेशनल न्यूज़ बॉर्डर, खासकर बॉर्डर से रिलेटेड जो भी तरह के आर्गूमेंट्स हों, क्योंकि इससे पहले भी लास्ट टाइम हम लोगों ने 1-1.5 साल पहले अगर आपको याद हो तो जब न्यूज़ फैली थी कि चाइनीज सोल्जर्स ने हमारे 20 जवान शहीद कर दिए, तो उस दिन मैं ट्रेड में था, मुझे याद है अच्छे से, 12-12:30 बजे तक बहुत सही मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, अचानक से गिरा, मुझे भी अच्छा खासा लॉस हुआ था, बट कुछ देर के बाद पता चला कि क्यों क्यों हुआ था। तो एक्चुअली क्या होता है ना, फिर आप जब ऐसी न्यूज़ आती है तो अगर आप लॉस में भी हो ना, तो आपके लॉस आपको खटकते नहीं है, क्योंकि वो एक मामूली सा लॉस होता है, जो एक बड़ा लॉस कहीं हुआ है उस लॉस के सामने ये लॉस कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सब सिनेरियोस, ऐसे सब टाइम्स आते हैं अनफॉर्चुनेटली, क्या करें, अब हमारे देश के आसपास ऐसे हैं ही लोग, उसका कुछ नहीं कर सकते। खैर मार्केट पे हम लोगों की नज़र होगी, मार्केट को हम लोग देख सकते हैं, बाकी कल देखते हैं। कल
कल शाम में फिर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे मार्केट ने क्या किया। तो कल जितने लोग बाइंग के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो वो लोग थोड़ा सोच समझ के एंट्री लें, थोड़ा इन द मनी में एंट्री लें, क्योंकि अगर मार्केट वोलाटाइल रहा तो प्रीमियम ईटिंग होगी कायदे से, तो वो सब चीज़ को ध्यान में रख के। और अगर आप सोच रहे हैं कि कोई पोजीशन लेके होल्ड करना ऑप्शंस में, तो वो इस समय बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा, आप खुद ही देखिए मार्केट अच्छा खासा ऊपर साइड की तरफ निकला है, तो थोड़ा हो सकता है नीचे की साइड भी हो, नीचे की साइड भी आ सकता है। लगभग 35,500 को वापस से बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है, लेकिन अब कोई नहीं जानता, क्योंकि कैंडल बनने के बाद हमें पता चलता है अच्छा मार्केट ने आज ऐसा किया, मार्केट का ये सेंटिमेंट था। हमें आगे के बारे में हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में कल ट्रेड ना लें, इन द मनी लें जो भी लें, क्योंकि प्रीमियम मीटिंग होगी कल। अगर वोलाटाइल रहा मार्केट गैप अप खुलने के बाद तो, और अगर कल भी ट्रेंडिंग रहा तो फिर इस बार की एक्सपायरी सबकी ख़राब होगी। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ ट्रेंड करता है, क्या सिनेरियोज बनते हैं। बस कोई पैनिक सिनेरियो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपने गलवान वैली में थोड़ी चाइना के साथ चल रही है दिक्कतें, तो कोई पैनिक न्यूज़ ना आए, नहीं तो ये अप ट्रेंड कुछ डाउन 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी और लगभग 250-300 पॉइंट निफ्टी को ये नीचे की तरफ पुल बैक ला सकता है। वो न्यूज़ थोड़ी सेंसेटिव होती है इस तरह की, इंटरनेशनल न्यूज़, बॉर्डर, खासकर बॉर्डर से रिलेटेड जो भी तरह के आर्गूमेंट्स हों, क्योंकि इससे पहले भी लास्ट टाइम हम लोगों ने 1-1.5 साल पहले, अगर आपको याद हो, तो जब चाहे जब न्यूज़ फैली थी कि चाइनीज सोल्जर्स ने हमारे 20 जवान शहीद कर दिए, तो उस दिन मैं ट्रेड में था, मुझे याद है अच्छे से। 12-12:30 बजे तक बहुत सही मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, अचानक से गिरा, मुझे भी अच्छा खासा लॉस हुआ था, बट कुछ देर के बाद पता चला कि क्यों क्यों हुआ था। तो एक्चुअली क्या होता है ना, फिर आप जब ऐसी न्यूज़ आती है तो अगर आप लॉस में भी हो ना, तो आपके लॉस आपको खटकते नहीं है, क्योंकि वो एक मामूली सा लॉस होता है। जो एक बड़ा लॉस कहीं हुआ है, उस लॉस के सामने ये लॉस कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सब सिनेरियोज, ऐसे सब टाइम्स आते हैं, अनफॉर्चुनेटली क्या करें, अब हमारे देश के आसपास ऐसे हैं ही लोग, उसका कुछ नहीं कर सकते। खैर, मार्केट पे हम लोगों की नज़र होगी, मार्केट को हम लोग देख सकते हैं, बाकी कल देखते हैं, कल शाम में फिर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे मार्केट ने क्या किया।